हम बात कर रहे हैं सेंट्रियम कैपिटल लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। जब स्टॉक बाउंस बैक कर रहा था, आपको याद होगा हमने 40 का टारगेट और इसके ब्रेकआउट के बाद 44 तक के टारगेट को डिस्कस किया था। 42 के लेवल से स्टॉक ने 2-3 दफ़ा रिजेक्शन लिया, गिरावट आई। 40 के लेवल को सपोर्ट बनाकर काम कर रहा था, लेकिन इसको नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर चुका है। लेकिन इस ब्रेकडाउन के साथ स्टॉक अगेन हमको रिकवरी दिखा सकता है अपने तगड़े सपोर्ट से। देख सकते हैं इससे पहले जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था और बड़ी गिरावट दिखाई थी, अगेन जब बाउंस बैक हुआ था तो सेम लेवल पर रिजेक्शन फेस किया था। कौन सा लेवल है हम एग्जैक्ट देख लेते हैं, 3860 का लेवल, मोटा मोटा हम 38 का लेवल मान सकते हैं। 38 का लेवल इसका तगड़ा सपोर्ट रहेगा, यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ भी एक दफ़ा नज़र डाल के देखते हैं, जहाँ स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 39 का लेवल, गिरावट आई तो इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं किया, एक जंप आया, अगेन गिरावट आई तो उस लेवल को ही ब्रेकडाउन नहीं किया। 39 के लेवल को ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 38 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, और 38 का अगर ब्रेकडाउन कर गया, बड़ी सेलिंग आ जाती है और ब्रेकडाउन कर जाता है, तो वैसे कंडीशन में फिर 34 तक का फॉल सेंट्रियम कैपिटल दिखा सकता है। अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक होता है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करना है, जहाँ से आज के दिन में स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया 40 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होने देते हैं। इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, इससे पहले भी हमको इसी लेवल से स्टॉक में लगातार गिरावट दिखाई थी, तो 40 का लेवल अगर ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन हो गया तो फिर एक क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट जहाँ से स्टॉक ने इस दफ़ा रिजेक्शन लिया है 42 का लेवल, इसको ब्रेकआउट कर गया तो 44 तक का जंप फिर स्टॉक दिखा सकता है, और 44 के लेवल का ब्रेकआउट फिर मतलब बड़ी उड़ान हो सकती है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।